हेलो एवरीवन, वेलकम टू नूतन की किचन। आज हम बनाएंगे छेना के बर्फी। छेना के बर्फी बनाने के लिए हम 1.5 kg फुल क्रीम दूध लिए हैं और दूध को भी हम कढ़ाई में डालकर 2-3 उबाल आने तक इसको हम छोलनी के मदद से इसको हम चलाते रहेंगे। चलाकर इसमें 2-3 जब उबाल आ जाएगा ना, तो इसमें हम 2 नींबू के बीच से काट कर और एक चाय छानने वाला छन्नी से हम इसको हम सारे रस को हम दूध में गार लेंगे। चाय छानने वाले छन्नी से इसलिए छान रहे हैं ना कि इसमें जो बीज है वो दूध में नहीं जाएगा। तो हम दोनों नींबू के रस को हम दूध में गार दिए हैं और ये देखिए दूध, आधा दूध और आधा छेना बना है। पूरा हम दूध को नहीं फाड़ेंगे, आधा दूध और आधा छेना रहेगा। हम सबको सुखा कर थोड़ा देर के लिए पका लेंगे। जब आधा बन जाएगा ना, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा चीनी डालेंगे। सारा चीनी को हम एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा चीनी डालकर इसको हम चलाकर सुखाएंगे। और थोड़ा थोड़ा चीनी डालकर इसको हम अब सुखा लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। घी डालने से जो छेना है ना वो अच्छे से दानेदार बनेगा बर्फी के लिए। अब 5 इलायची लिए हैं, इसको हम खोल कर कूट कर और इसमें भी हम इलायची के हम पाउडर बना कर इसमें डाल देंगे और डाल कर इसको हम थोड़ा देर चला लेंगे। चला कर ये देखिए एकदम दानेदार बना है ना, एकदम दानेदार बर्फी के लिए बनकर छेना तैयार हो गया। और छेना को हम एक कंटेनर में डाल कर और इसको फैला लेंगे। फैला कर और उसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल कर और थोड़ा देर के लिए इसको हम फ्रिज में रख दिए थे सेट होने के लिए। अब ये सेट हो गया है। अब हम एक चाकू से इसको हम बर्फी के शेप में काट लेंगे और काट कर इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। है ना बिल्कुल बाजार जैसी, ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है।